लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं यूपी में है दम। मुंबई के डोंबिवली इलाके के एक केमिकल फैक्ट्री में भयंकर धमाके के बाद तबाह हो गई। इस केमिकल फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम करते हैं, जिनमें से दर्जनों इस धमाके में घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना भयंकर था। कुछ देर पहले यहां फैक्ट्री की इमारत थी, अब मलबा है। इमारत के परखच्चे उड़ गए हैं, दरों दीवार ध्वस्त हो चुकी है, ऊपर धुआं उठ रहा है। नीचे यहां काम करने वालों और चश्मदीदों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। इतनी खतरनाक यहां स्थिति थी कि देखने लायक नहीं थे। उसके बाद आमदार साहब ने एम्बुलेंस वाले को, जितने भी कर्मचारी थे, सबको बुलाया और हमने भी पुलिस मित्र के हिसाब से तिलक नगर पुलिस चौकी में वगैरह पुलिस स्टेशन में फोन किया। ये एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी। मुंबई के डोंबिवली इलाके में बनी इस फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। धमाके के बाद आग लग गई और ऊपर काला धुआं पसरता चला गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 85 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। वैसे पुलिस जो आंकड़े दे रही है, गैर आधिकारिक तौर पर आंकड़ा उससे बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने पुलिस और दूसरे अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव के काम में तेजी लाने को कहा है। बॉयलर में धमाका क्यों हुआ, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। जांच चल रही है, लेकिन आशंका किसी बड़ी लापरवाही की है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह खुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।